हेलो गाइस, आज मैंने एक क्रिएटिव काम किया, दैट इज मेरे एक घर के कॉर्नर को मैंने एक स्टूडियो में कन्वर्ट किया। तो कैसे कन्वर्ट किया आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टार लाइट लगाया है और इस तरफ एक दरवाज़ा है जिसमें मैंने अपने खुद के पेंटिंग्स कटिंग्स लगाए हैं टू लुक अट्रैक्टिव। सो इसको मैं टुडे एक नेमिंग भी देती हूँ, दैट इज़ अ टॉक स्टूडियो। यहाँ पे मैं अपने चैनल्स की या अपने जो कुछ भी मैं करती हूँ उसके बारे में बोलने के लिए अगर मुझे आपके सामने आना पड़े तो मैं इसी स्पेस का यूज़ करूँगी। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे सजाया। तो गाइज, यहाँ मेरे रूम में पहले से ब्लू और ग्रीन लाइट लगे हुए थे जो एक अपने में ही एक अच्छा स्टूडियो टाइप का इफेक्ट है। उसके साथ मैंने ये स्टार लाइट ऐड किया है। ये स्टार लाइट एक अलग ही इफेक्ट दे रहा है इस स्पेस को। यू कैन सी इट्स सो अट्रैक्टिव। मुझे हमेशा से घर में रहे हुए चीज़ों से कुछ अच्छा बनाने का एक क्रेज है, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक स्टूडियो तैयार करूं जिससे मैं बात कर सकूं आपसे और मैं आपके साथ ये शेयर भी करूं कि कैसे मैंने ये बना लिया। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कंटेंट। यहाँ मैंने एक छोटा सा टूल प्लेस किया है जिसमें मैं बैठ के आपसे बात कर सकती हूँ। इस चीज़ को करने का मेरा और एक पॉइंट है कि अभी लॉकडाउन में बच्चे घर पे बैठे रहते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडियो सजा के अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट शूट करने के लिए मैंने ये एक स्टैंड ऑर्डर किया था जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, दैट इज़ ओसाका 550 ट्राइपॉड स्टैंड। तो ये बहुत ही फर्म है और इससे आप किसी भी एंगल में शूट कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो है, आप देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप गाइस जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक दूसरी चीज भी खरीदा है, दैट इज बोया BY M1 इसका कोट है। तो ये भी मैंने अमेजोन से लिया है, तो इससे मैं अपना साउंड रिकॉर्डिंग करूँगी। तो ये एक लगभग 4 मीटर के वायर में आता है जिसमें एक माइक लगा हुआ है, उसके साथ एक नेक क्लिप है और इसमें है एक कंट्रोलर। ओके, यू कैन सी दिस कंट्रोलर। इसमें कैमरा है जो जब कैमरा में लगाने से ये काम करता है। इसमें एक बैटरी भी लगता है और ये स्मार्टफोन में जब आप यूज़ करेंगे तो ये ऑफ रहता है, कैमरा में ये ऑन रहता है। तो ये हो गया मेरा माइक्रोफोन। ठीक है गाइस, और ये है दोस्तों मेरा डोर मिनी एनिमल आर्ट गैलरी जिसको मैंने खुद पेंट किया है। ये सारे छोटे छोटे कटआउट्स जो आप देख रहे हैं इसको मैंने खुद पेंट करके इसको मैंने एक दरवाजे पे लगाया है जो ये कॉर्नर में आता है। और ये एक नॉर्मल दरवाजे से एक अट्रैक्टिव दरवाज़ा बन जाता है। तो यू सी हाउ क्रिएटिवली यू कैन क्रिएट योर ओन स्टूडियो और वेर यू कैन स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए अब ये स्टूडियो थोड़ा यूज करके देखते हैं कि कैसा बना। सो गाइस, मैं आपको ये स्पेस यूज करके दिखाती हूँ। यू सी इट्स सच अ कोजी प्लेस। आई हैव एसी इन माय रूम एंड रियली इट्स फीलिंग लाइक अ नाइस स्टूडियो एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट एंड प्राउड ऑफ दिस स्मॉल थिंग आई हैव डन टू मेक मी फील हैप्पी। ओके, सो यू कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। So really I'm feeling nice and I can share things. So about this channel, there are a lot of YouTubers who are there who is working out. So I am just new to this platform. And also मेरा यहाँ पे आने का यही मतलब है, एक तो lockdown चल रहा है, दूसरी बात है कि time बहुत सारा बच जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो entertaining भी हो और मुझे भी मेरा भी टाइम इसमें लगा रहे, मन लगा रहे। तो बिसाइड वर्क आई एम डूइंग दिस
थिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और बोला जाए तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, तो वो भी मैंने जस्ट लास्ट मंथ ही खोला है। तो यू कैन प्लीज विजिट मैजिक क्विजिंस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 15 रेसिपीज डाले हुए हैं टिल नाउ इन 2 मंथ्स। सो वो भी आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं और आप लोग खा के मुझे बोल सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कुकिंग को करने के बाद। और मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ करते रहे लाइफ में, ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको ये मेरा छोटा सा स्टूडियो अच्छा लगा। थैंक